हाँ, सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज 4.1। ओके, क्या है देखो, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। एक्सरसाइजेस 1 एंड 2 मतलब जो भी हो, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इवेल्युएट दी 1 और 2 में बोल, 2 कहाँ है? तो अच्छा, हाँ, मतलब ये दोनों के लिए प्रॉब्लम ट्रीटमेंट ऊपर ही बोल दिया है। यस, करेक्ट। तो ये तो सिंपल है। ओके, फर्स्ट क्या आएगा देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 2 1 2 -5 4 -20 दैट इज इक्वल्स टू 18। देन सेकेंड, ओके, सेकेंड का फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। डन, ओके, 1 आंसर। देन सेकेंड डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो x, मतलब क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 1 का मल्टीप्लाई करो सो आ जाएगा प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो वो हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमने ये कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स भी कैंसल्ड हो गया, तो फॉर्मूला बना हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है इतना। ओके, डन, चलो नेक्स्ट। थर्ड क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस then show that twice a is equals to, okay, चलो सिंपल है। क्या पहले तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले a को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो LHS अगर हम ले, सो a को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, सो क्या हो जाएगा, 2 4 8 and 4 2 4 8 and 4, ये हमने निकाल लिया, और अब उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो 8 minus 8 4 are 32 that is equals to -24। ओके, और अब RHS ले ले, तो RHS में क्या बोल रहे हैं, 4 determinant of A, तो पहले determinant of A निकालते हैं, आ गया, yes, so 1 2 2 -4 2 8 that is equals to -4। okay, huh? Sorry, -6 and therefore RHS is equals to 4 multiplied by -6 that is equals to -24, therefore LHS is equals to RHS। done, simple है ये, कौन सा था, third वाला। चलो तुम करो, जहां रुकोगे तब हम करते हैं, ये उसके जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, 3x3 है, हो जाएगा, यस, दूसरा करते हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला करो, तो चलो फिफ्थ वाले में क्या बोला है, वही है, कोई एक कर लिया सर, कोई एक कर लो, चलो चार है, कोई एक कर लो सर, कौन सा करें आप बता दो, अरे तुम करो कोई भी, तुम्हें जो ऐसा लगेगा ये थोड़ा लेंथी होगा या फिर ये यहाँ पे जीरो नहीं है वही लेंथी होगा तो बस सेकंड वाला करो। जो भी हो आंसर, पहले पहले का किया है, ठीक है, 12
दोनों ने सेम किया या अलग अलग किया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। माइनस वन से हो जाएगा और टू थ्री तो साइन क्या ली फिर प्लस आएगा? नहीं वो सेकंड वाला है ना, सेकंड रो सही लिया, सेकंड रो माइनस वन लेना है। नहीं प्लस में आ रहा है, वो माइनस वन है ना, और उसके ऊपर वो माइनस आएगी साइन, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन इंटू थ्री फाइव फिफ्टीन और थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस वन तो थ्री प्लस थ्री वो माइनस थ्री आएगा, फिफ्टीन फिफ्टीन आया माइनस माइनस थ्री आएगा। मैं बोल रहा हूँ आ गया ना आंसर, आ गया। हाँ ठीक, ओके चलो, मतलब सिर्फ यही बोल रहा था कि वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम था तो माइनस वन रेस टू टू प्लस थ्री, ओके तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा फाइव, ओके सो यहाँ पे आंसर माइनस वन आएगा इनटू माइनस वन, यस तो प्लस वन, यस करेक्ट। चलो तो सिक्स्थ हो जाएगा कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके सेवेंथ करो। चलो देखो यहाँ पर ऐसा मत करना कि टू इज इक्वल टू टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वन और सर नीचे भी एक्स इज इक्वल टू वन है तो एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। दूसरा भी उसके जैसा ही है एंड लास्ट एइथ वाला अगेन उसके जैसा ही है, हो जाएगा सिंपल। ओके हो जाएगा, ठीक है वो मत करना गलती से भी। हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं।